सो पेरेंट्स, ये वीडियो आज का जो है वो नर्सरी के बच्चों के लिए और जूनियर केजी के बच्चों के लिए है। जो बच्चे लिख नहीं पाते अल्फाबेट्स, उन्हें लिखना अल्फाबेट्स लिखना बहुत ही बर्डन लगता है, उन्हें बोर लगता है, उनके लिए आज का ये वीडियो है। और पेरेंट्स, अगर आप अपने बच्चों लेकर बहुत ही वरिड हो आप कि आपके बच्चे लिख नहीं पाते हैं और उन्हें लिखना अच्छा नहीं लगता है, बोर होता है उन्हें लिखना, वो तो आप ये मेरा वीडियो पूरा पूरा देखिएगा। आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्प रहने वाला है। आप मेरा ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा और आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मेरा भी बच्चा है, वो बहुत ही नखरे करता है कि मुझे ये नहीं करना वो नहीं करना, तो मैं क्या करती हूँ पेरेंट्स, अपने मेरे बच्चे को मैं इस तरह से शीट्स बना के देती हूँ जिससे उसको बोर भी नहीं होता है और वो पूरा एक्टिविटी कर पाता है, अपने खुद से वो कर लेता है। तो पेरेंट्स, आपको भी इसी तरह से अपने बच्चों को शीट्स बना के देना है, जैसी तरह से मैंने शीट्स बनाई है वो मैं आपको शेयर करूंगी इस वीडियो में, उसी तरह से आप भी अपने बच्चों को इस तरह से शीट बना के दीजिएगा। और पेरेंट्स, आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं कि आपके पास प्रिंटर नहीं है और बहुत ही खर्चा हो जाता है, बार बार खर्चा भी होता है और हमेशा जाना भी पड़ता है प्रिंट निकालने के लिए, तो आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है। मैंने आज बहुत ही इजी शीट्स बना है जो आप मैं आपको शेयर करूंगी। ये देखिए, मैंने खुद से मेरे हाथ से ये शीट बनाई है, ना कि प्रिंटर से। ये आप देख सकते हो, मैंने ये हाथ से मेरे डॉट डॉट निकाल के अल्फाबेट्स लिखे हैं, यानी कि ट्रेस करने के लिए बच्चों को। घर पे मैं इसी तरह से मेरे बच्चे को बना के देती हूँ और उसे वो अच्छा भी लगता है, बोर भी नहीं होता है। आपको ही इसी तरह से शीट बना के देना है, आपका खर्चा भी नहीं हो जाएगा प्रिंटिंग का और आपका टाइम भी बच जाएगा। तो घर पे आप इस तरह से बना के दीजिएगा शीट्स और उन्हें बिजी रखिएगा और उन्हें अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी करा के ले लीजिएगा। और मैं मेरे बच्चे के साथ क्या करती हूँ, उन्हें लिखते लिखते बोलने भी बोलती हूँ जिससे उसका फोनिक साउंड भी डेवलप हो जाता है। सो अब हम ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। सो डेली के बेसिस में आपको क्या करना है, हर रोज उस अपने बच्चों को चार चार अल्फाबेट्स लिखने सिखाना है। मैं भी इसी तरह मेरे बच्चे को चार चार अल्फाबेट्स सिखाती हूँ। अगर आपका बच्चा ज़्यादा कैच कर पाता है तो आप चार से ज़्यादा भी उसको लिखने दे सकते हो। सो डे वन में है ट्रेसिंग ABCD। सो इस तरह से ए उसे ट्रेस करने कहना है, देखिए, और बोलते बोलते ट्रेस करने कहना है, यानी कि ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन एंड ए फॉर एंट। नेक्स्ट अल्फाबेट इज बी, बी फॉर बॉल, बी फॉर बस एंड बी फॉर पेल। नेक्स्ट अल्फाबेट इज सी, सी फॉर कैप, सी फॉर कैट एंड सी फॉर कप। नेक्स्ट अल्फाबेट नेक्स्ट इज डी, D for dog, D for drum and D for desk. So parents, ये है डे टू की शीट। डे टू की शीट में मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रेसिंग EFGH। मैंने चार चार की शीट बनाई पेरेंट्स, अगर आप चाहो तो दो या तीन की भी बना सकते हो या फिर चार से ज्यादा की भी बना सकते हो, और एक शीट से ज्यादा, दो शीट, तीन शीट, इस तरह से आप बच्चों को बना के दे सकते हो पेरेंट्स, और उनसे प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करके ले सकते हो। और बच्चे बुक में बार बार लिख लिख के ना बोर हो जाते हैं पेरेंट्स, तो आपको इस तरह से कलरफुल, मैंने ब्लैक स्केच पेन से लिखा है, आप कलरफुल स्केच पेन से भी लिख के दे सकते हो जिससे अट्रैक्टिव हो जाएगी बच्चे शीट्स की तरफ और खेलते खेलते वो स्टडी भी कर सकेंगे। नेक्स्ट शीट में है ई, सो ई बोलते बोलते लिखने बोलना है, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एगल, ई फॉर ईयर, इस तरह से। नेक्स्ट अल्फाबेट इज एफ, एफ के बाद जी एंड जी के बाद एच, एच के बाद आएगा आई। आई ट्रेस करने के लिए कहना है, ये डे थ्री का शीट है, ये डे थ्री में है ट्रेसिंग IJKL। आई ट्रेस करने के लिए कहना है, आई के बाद आता है जे, जे के बाद आता है के एंड के के बाद आता है एल। तो ये हो गई डे थ्री की शीट। नाउ डे फोर, डे फोर में ट्रेसिंग MNOP,
M ट्रेस करने के लिए कहना है, M के बाद N आता है, N के बाद O, O के बाद P आता है। ये देखिए पेरेंट्स, डे फाइव में आप उन्हें Q, R, S, T, देखिए इस तरह से Q, R, S, T आप उन्हें ट्रेसिंग करा सकते। अगर आप इस तरह से डेली बेस में चार चार अल्फाबेट्स भी अगर प्रैक्टिस कराते हो पेरेंट्स, आपके बच्चों को अल्फाबेट्स रिकॉग्नाइज बहुत ही जल्दी हो जाएंगे और उनकी लिखने की जो पावर है वो भी बढ़ेगी और वो बोर भी नहीं होंगे, अच्छी तरह से लिख पाएंगे। नेक्स्ट शीट है डे सिक्स, यू वी डब्ल्यू एक्स। ये देखिए इस तरह से यू वी डब्ल्यू एक्स, इस तरह से आपको शीट्स लिख के देना है। नेक्स्ट शीट है डे सिक्स की वाई एंड जेड। वाई एंड जेड की प्रैक्टिस करने के बाद फोर लाइंस मैंने देखे पेरेंट्स ड्रॉ किया है यहाँ पे, आपको अलग से बुक लेने की भी जरूरत नहीं या फिर प्रिंट निकालने के लिए। ये देखे पेरेंट्स, मैंने प्रैक्टिस के लिए फोर लाइन ड्रॉ किया है यहाँ पे पेपर पे, पेंसिल से एंड स्केच पेन से डॉट डॉट करके अल्फाबेट्स लिखा है कि किस तरह से शीट्स बना के रखिए। उसी तरह आप अपने बच्चों को भी इस तरह से शीट बना के दीजिएगा और उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करा के लीजिएगा और बोलते बोलते करा के लीजिएगा। सो ये हो गए हमारे आज के कैपिटल लेटर्स।